आज वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के ऊपर सदा में एक रेवेन्यू दरबार जिसको हम तहसील हाजिरी भी कह सकते हैं उसका इनेकाद किया गया कि जितने भी ज़िला के महकमे माल के अफसरान हैं यानी डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कलेक्टर साहिबान असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान तहसीलदारान साहिबान ऑफ ग्रेड 1 एंड 2 मुतल्लिका रेवेन्यू ऑफिशल्स जिसमें गिरदावर हैं जिसमें कानून गोज़ हैं जिसमें पटवारी साहिबान हैं वो तमाम एक छत के नीचे यही सर्विस देने के लिए मौजूद हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही जगह के ऊपर तमाम लोग आके वो अपने कंप्लेंट्स अपनी सजेशंस अपने जो मसाइल हैं वो रिकॉर्ड करा सकते हैं। इशूंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स कुछ लोगों के पार्टीशन ऑफ लैंड के मसाइल थे कुछ लोगों के काफ़ी टाइम से इंतकालात पेंडिंग थे मुख्तलिफ वजूहात के लिहाज से तो आज वो यहाँ पर आए हैं वहाँ उन्होंने यहाँ पर हमारे पास अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर कराई हैं जिनको प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है। माके वो मुँह गरीब साड़ी छोप अख्तराना का वाला बहार वो विलोड़ उगे टोके छोप वेलाना चार नौजा वो शे कपड़े वाला गोड़े कपड़े वाला आगा बटोल ना माके ना तो उसको मुड़ेर खुश हो रही शुक्र गुजोरी से मुतार से डालता खुनी के मिलो शु पहला दा तकलीफ होकर ना दफ्तर तब शोनो पर खुलो लो दरवाजे खुले के विलोड़ वो योर दोस्त खबर आवा अब उस खुलाए पास दे बस खुद ब खुद सेब सरा में लगेगा दरबार लगी दलेरी दरबार की अगो पटवारियों टोटल पोष वाली स्टाफ और सरानोस थी पदी दरबार की नंद मुँह खबर खप गावर बनती वो देश वाला और बनते आर्डर या वकड़ा लू डी सी से वो तवेल उस दग बनती फौरन करवाई हुआ कुछ दिन अमन खराब नशी मकसद बेसिकली आवाम में और महकमा माल में एक रब पैदा करने की एक ज़बरदस्त एक काविश है एक इनिशिएटिव है। हम खुद इसको बड़ा पॉजिटिवली देख रहे हैं और इसमें लोगों के ऊपर बहुत एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का।